परमेश्वर यूसुफ और ओकर परिवार ला बचाथे। याकूब ला कनान मा रहत बनेच बछर बीत गे रहिस। जब ओहर बूढ़ा हो गिस त ओहर अपन मयारू बेटा यूसुफ ला ओकर भाई मन के हाल चाल पूछे बर भेजिस। ओकर भाई मन जानवर मन के झुंड मन के देखभाल करत रहिन। यूसुफ के भाई मन ओला घृणा करत रहिन, काबर कि ओ मन के पिता यूसुफ ले ज्यादा माया करत रहिस। और इकर बर घोले कि यूसुफ हर सपना देखे रहिस कि ओहर ओ मन के ऊपर शासन करे वाला हो जाही। जब यूसुफ अपन भाई मन ठी आइस त ओ मन हर ओला बंदी बना लीन और ओला दास मन के व्यापार करे वाला मन ले बेच दिन। घर वापस लौटे के आगू यूसुफ के भाई मन हर यूसुफ के कपड़ा चीर दिन और छेरी के लहू मा भिगो दिन। फेन ओ मन हर ऊ कपड़ा ला अपन पिता ला दिखाइन, ताकि ओहर ई सोचे कि कोनो जंगली जानवर हर यूसुफ ला मार डारे हे। ई सुन के याकूब बनेच दुखी हो गिस। नौकर मन के व्यापार करे वाला मन यूसुफ ला मिस्र देश मा ले गिन। नील नदी के तीर मा बसे मिस्र एक ठन बड़खा और शक्तिशाली देश रहिस। ऊ नौकर मन के व्यापार करे वाला मन हर यूसुफ ला एक झन धनी सरकारी अधिकारी ठी एक झन नौकर के रूप मा बेच दिन। यूसुफ हर अपन मालिक के बढ़िया रीति ले सेवा करिस और परमेश्वर हर यूसुफ ला आशीष दिस। ओकर मालिक के पत्नी हर यूसुफ के संगमा संबंध बनाए के कोशिश करिस, लेकिन यूसुफ हर ई रीति ले परमेश्वर के विरोध मा पाप करे ले इनकार कर दिस। ओहर रिसा हो गिस और यूसुफ के ऊपर झूठा आरोप लगा दिस। इकर बर ओला गिरफ्तार करके जेल खाना मा डार दिए गिस। इकरा तक ले कि जेल खाना मा घोले यूसुफ परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहिस और परमेश्वर हर ओला आशीष दिस। दू बछर मन के बाद निर्दोष होय मा घोले यूसुफ अभी घोले जेल खाना मा रहिस। एक रात फिरौन जैसन कि मिस्री मनसे मन अपन राजा मल्ला नरियात रहिन, ओहर दू ठी सपना देखिस जोन हर ओला बनेच विचलित करतीस। ओकर कोनो घले सलाहकार ओला उस सपना मन के अर्थ नी बता पाई। परमेश्वर हर यूसुफ ला सपना के अर्थ बताए के क्षमता प्रदान करे रहिस। इकर बर फिरौन हर यूसुफ ला जेल खाना ले अपन ठी बलाइस। यूसुफ हर ओला उ सपना के अर्थ ला बताइस और कहिस, परमेश्वर भरपूरी फसल के 7 बछर के बाद मा अकाल के 7 बछर भेजे वाला है। फिरौन यूसुफ ले अतकी प्रभावित होइस कि ओहर ओला पूरा मिस्र देश के दूसर सबले शक्तिशाली मन से नियुक्त कर दिस। यूसुफ हर मन से मल्ले बढ़िया फसल मन के 7 बछर के दौरान बड़ी मात्रा मा अन्न जमा करे बर कहिस। जब 7 बछर मन के अकाल आइस तहां यूसुफ हर मनसे मल्ला उ अन्न बेचिस, ताकि ओ मंठी खाए बर भरपूर हो। उ भयंकर अकाल केवल मिस्र देश मा नी लेकिन कनान देश मा घोले रहिस, जोन ठी याकूब और ओकर परिवार रहत रहिन। इकर बर याकूब हर अपन बड़खा बेटा मल्ला अन्न बिसोए बर मिस्र ला भेजिस। जब ओमन अन्न बिसोए बर यूसुफ के आगू मा ठाड़ होइन त ओकर भाई मन हर यूसुफ ला नी पहचानिन, लेकिन यूसुफ हर ओमन ला पहचान लिस। ई पता लगाए बर कि का ओमन बदल गिन है, ओमन के जांच करे के बाद यूसुफ हर ओमन ले कहिस, मैं तुम्हार भाई यूसुफ आ, डरनी जब तुमन मोला नौकर के रूप में बेचे रह तहाँ तुमन बुरा करे बर विचार करे रह, लेकिन परमेश्वर उ बुराई ला भलाई खातिर उपयोग करिस। आवा और मिस्र देश में रह, ताकि मैं तुम्हार और तुम्हार परिवार मन बर भोजन के प्रबंध कर सकूं। जब यूसुफ के भाई मन घर वापस लौटिन और अपन पिता याकूब ला बताइन कि यूसुफ अभी घोले जीवित है, तो ओहर बनेच खुश होय रहिस। जबकि याकूब हर एक जन बूढ़ा मन से रहिस,
तभो ले ओहर आपन सब परिवार के संग मिस्र ला चल दिस और ओमन ओकरा रह गिन। याकूब हर मरे के आगू अपन सब बेटा मल्ला आशीष दिस। वाचा के उ प्रतिज्ञा मन जोन परमेश्वर हर अब्राहम ले करे रहिस उ इसहाक मा और ओकर बाद याकूब और ओकर बाद ओकर 12 बेटा मन और ओमन के परिवार मन मा आगे रहिस। उ 12 बेटा मन के वंशज इजराइल के 12 ठन गोत्र बन गिन। उत्पत्ति अध्याय 37:50 ले बाइबिल के एक ठन कथा।